2016 की डेट में भी कुछ काम किया था, आई थिंक दो क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का राइट द मिसिंग नंबर्स, मतलब हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं रोमन काउंटिंग के। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1, अब हम लिखेंगे 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 हम लिखते हैं 2i, ठीक है, साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे, ठीक है। 2i के बाद क्या आएगा 3, 3 माने 3i, अब उसके बाद आ जाता है आई वी, आई वी का मतलब है 4। अब 5 को हम लिखते हैं वी, ठीक है, वी के बाद वी आई माने 6, वी डबल आई माने 7, वी ट्रिपल आई माने 8, आई एक्स माने 9, फिर आ जाता है एक्स 10, ठीक है, एक्स आई 11, एक्स डबल आई 12, एक्स ट्रिपल आई 13, एक्स आई वी माने 14, एक्स वी माने 15, एक्स वी आई 16, एक्स वी डबल आई 17, एक्स वी ट्रिपल आई 18 और एक्स आई एक्स माने 19 और ये डबल एक्स माने 20, ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे मिसिंग नंबर्स। अब मैथ की डायरी लिख लें आप सब बच्चे, आपको करवा दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी उसके साथ होमवर्क में करना है। ये हो गया आपका 17 का काम। अब आ जाते हैं हम 18 के काम पर, अब 18 के काम पर आ जाते हैं। 18 का काम क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग, मतलब हमने मैच करने एक रोमन में लाइन लिखी हुई है रोमन की काउंटिंग में और एक अरबिक नंबर्स की काउंटिंग में लाइन लिखी हुई है। अब हम मैच करना शुरू करेंगे, देखें आई वी, आई वी का मतलब क्या होता है 4, तो 4 देखेंगे इस लाइन में ये रहा, तो हम इसको 4 से मैच कर देंगे। वी आई माने 6, 6 देखें ये नीचे सबसे, ये 6 पे हमने मैच कर दिया। एक्स, एक्स के मायने होते हैं 10 के, ये 10 से हमने मैच कर दिया इसको। आई एक्स मीन्स होती है 9, 9 से हम इसको मैच कर देंगे, और वी के मायने होते हैं 5 के, तो हम इसको 5 से मैच कर देंगे, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल एक ये रही, देखें ट्रिपल आई माने 3, हम इसको 3 से मैच कर देंगे। एक्स आई माने 11, हम इसको 11 से मैच कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वी ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई माने 8, 8 से मैच कर दिया हमने। एक्स आई वी माने 14, 14 से मैच कर दिया। डबल एक्स माने 20, या 20 से हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। यो भी मैच द फॉलोइंग की एक एग्जांपल। अब मैथ की डायरी लिखना तमाम बच्चे 18 की, ठीक है बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको होमवर्क में करना है। 4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, 2 आज समझाए और 2 हमने 15 और 16 के लेक्चर में समझाए थे। तो तमाम बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों, स्टे सेफ स्टे होम।